अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। आपका छोटा भाई मोहम्मद आरजू, जो आपके बीच कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। जो गांव में इस वक्त मुखिया चुनाव का काफ़ी जोर शोर चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ, तो इस पे मेरा कुछ बात कहने जा रहा हूँ। उस पे जो अच्छा लगे तो ग्रुप में शेयर करना, जिसे ताकि मेरी माँ और बहनों और भाइयों और चचाओं तक ये बात को शेयर करना। जो गांव में इस तरह की राजनीतिक होते हैं मुखिया चुनाव वाले इलेक्शन के, वे जो पैसा दे देकर वोट कीन लेते हैं और 5 साल जनता की सुनते नहीं हैं, तो उन भाइयों और बहनों और माता से कहना है कि पैसा देकर वोट ना दें। कृपया आपसे ये अनुरोध है, क्योंकि अगर वो 500 आप ले लेते हैं, वो 500 आपके किसी काम का नहीं है। 500 लेने से आपको 5 साल का नुकसान पड़ता है, मालूम है? क्योंकि वो मुखिया एक होते जो आपको पैसा देते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी बिजनेसमैन जो पैसा फंसाते हैं तो उसको पैसा कमाने का क्षमता होता है। अगर मान लीजिए अगर कोई मुखिया आपको 2 लाख रुपया आकर दे दे, 2 लाख रुपये यानी कि आप ही को नहीं, आपके पंचायत में 2 लाख रुपया छेड़ दे या बांट दे, तो वो फिर क्या सोचेगा? वो 4 लाख रुपया 8 लाख रुपया कमाने का पहले सोचेगा। तो ऐसे मुखिया को मौका देना बेवकूफ़ी का काम है। और मुखिया के आगे पीछे कुछ गांव के चमचे घूमते हैं, जिसको आपको 500 देंगे, जो आगे पीछे चमचे घूमते हैं और आपसे कहेंगे कि चचा और चाची बहना इसको वोट दीजिए, अच्छा आदमी है। तो उन सुअर के औलादों से मैं कहना चाहता हूँ कि हराम खोर, ऐसे गंदी नाली से उसको दुगुना तिगुना पैसा मिलता आपसे, वो आपसे वोट दिला देगा। आपसे वोट दिला देगा तो वो तो समझिए कि मुखिया के आगे पीछे का एक चम्मच बोले तो वो है। तो चम्मच, खैर मुखिया तो आपको वक्त पे मिलता नहीं है, तो मैं बिहार के अंदर और पंचायत के अंदर मैं देख चुका हूँ। अगर आपको किसी भी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़े तो आप 10 दिन लगातार दौड़ जाइएगा, पर आपको मुखिया नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुखिया को बैठने का कहीं पर ही टाइम टेबल नहीं दिया गया है इस हमारे पंचायत के अंदर। तो अगर किसी बच्चे स्टूडेंट को मुखिया के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ता है, उसके कारण उसके स्कूल समय लेट हो जाता है, लेकिन मुखिया टाइम पे नहीं मिलता है। अगर उसके चमचे से भी अगर कुछ मदद करवाओ तो उसका चमचा भी ये जवाब आपको देगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कुछ आवासी उवासी का भी अगर आप उसके पास काम करवाने जा रहे हैं तो उसका चमचा आपको डायरेक्ट ये कहेगा कि 500 रुपया लगेगा, 1000 रुपया लगेगा। तो उन चमचों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम तुम वोट दिलवाने गए थे उस टाइम तो पैसा उसको देने गए थे, अभी उनसे पैसा ले रहे हो वो चमचे। तो इसके लिए मैं माता माइनों से कहूँगा कि पैसा और ये दारू या स्प्राइट या पार्टी एक धोखा है। इस बार किसी अच्छे मुखिया को आपको देना मौका है, क्योंकि आप ही से पंचायत चलता है। जनता जिसकी सुने उसी की सब चलती है। अगर जनता जिसको चाहे उसको आगे तक पद पर पहुंचा सकता है। अरे मुखिया क्या है? मुखिया हमारे आपके जैसा आदमी है। मुखिया जो है हमारे और आपके जात से ही है, वो हमारे आपके जैसा आदमी है, पर उसे हम वोट देकर आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो उनका पद बड़ा होता है, उनका औकात थोड़ी ना हम बड़ा करते हैं। अरे औकात जिसकी जितनी पहले रहती है ना उतना ही रहता है हमेशा के लिए, तो उनको हम थोड़ा पद पे बढ़ा देते हैं, जिनका नाम पड़ जाता है मुखिया जी। पर मुखिया जी अगर जनता की नहीं सुने तो मुखिया जी कितने गाड़ी सुनते हैं गाँव में? और इस तरह की भी कुछ राजनीतिक होती है, अगर कुछ लफड़ा मैटर पड़ गया, अगर देखता है कि इधर से हमारा ज़्यादा वोट आने वाला है तो वो आपके पक्ष में नहीं, जिधर उसका ज़्यादा वोट होने वाला है भले गलती क्यों ना उसकी ही रहे, और उसके ही पक्ष में बोल देता है। गांव के इस तरह के गद्दार नेता लोग हैं। तो इस बार आप लोग को सोचने और समझने का मौका है। जो 5 साल के बाद आपको मौका दिया जाता है, आपको लीडर चुनने का मौका दिया जाता है, किसी डीलर को जैसा नहीं, जो डीलर दलाल होते हैं वो लीडर को दलाल मत बना दीजिएगा, तो आप अच्छे लीडर को चुनिए। 5 साल के बाद आपको मौका आता है। 500 रुपया लेने के लालच में आप किसी भी दलाल नेता को मत चुन लीजिएगा, क्योंकि 500 रुपया दे देगा आपको 5 महीना बरसात के मौसम में रास्ता कैसे नाले मुखिया जी देखने आते हैं, किस तरह आप परेशानी में चलते हैं बरसात में, गिर जाती है बूढ़ी माँ, पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, मुखिया जी किसी के पोरसा में करने नहीं आते, इस तरह के हमारे गाँव पंचायत के मुखिया जी हैं। अगर मुखिया जी इलेक्शन के वक्त हाथ जोड़ के माता जी अहाँ के पैर पकड़े छे हमारा की जीत, एहन एहन करता है
लेकिन अगर वही मुखिया जी से अगर आपको कभी 2 मिनट की बात करने की जरूरत पड़ गई, तो अगर मुखिया जी रास्ता से गुजर रहे होते हैं, अगर मुखिया जी को प्रणाम या सलाम करिए, मुखिया जी मुंडी हिलाकर चले जाते हैं, बैग 2 मिनट रोक के नहीं आपसे बात कर सकते हैं। और वो इलेक्शन में आपके घर पे आधा आधा घंटा आके बात करेगा कि हमको वोट देकर जिताइए। वो दलाल मुखिया जी सन का काम होता है इस तरह के बिहार के अंदर पंचायत चुनाव।